देखिए, भारत में कोरोना के सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। चाइनीज वायरल का ग्राफ बहुत नीचे है। हालात ना बिगड़े इसके लिए देश के प्रधानमंत्री से लेकर राज्यों के मुख्यमंत्री क्या कुछ कर रहे हैं इस वक्त, पीएम की मीटिंग से लेकर मुख्यमंत्री की बैठक में क्या प्लान बना, आपको हम दिखाते हैं जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की हाई लेवल मीटिंग, यूपी में योगी की अहम बैठक, दिल्ली में एक्शन में केजरीवाल। तमिलनाडु में स्टालिन ने मोर्चा संभाला। उत्तराखंड में धामी ने कोविड पर मीटिंग की। चाइनीज वायरस की राष्ट्रव्यापी घेराबंदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना की करंट सिचुएशन पर तैयार स्टेटस रिपोर्ट पर हाई लेवल मीटिंग की। हाई लेवल मीटिंग में होम मिनिस्टर अमित शाह, हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया और सभी राज्यों के हेल्थ सेक्रेटरी मौजूद रहे। करीब 120 मिनट तक चली इस बैठक में 4T के फॉर्मूले पर आगे का रोड मैप तैयार हुआ। 4T यानी टेस्ट, ट्रेस, ट्रीटमेंट और टीकाकरण, यही 4T है जिसे हथियार बनाकर वायरस के नए वेरिएंट को हराया जा सकता है। मीटिंग में कोविड के मौजूदा हालात और आने वाले दिनों में महामारी से निपटने की रणनीति पर चर्चा हुई। भारत पहले से ही अमल में टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नीति के साथ कोविड मैनेजमेंट कर रहा है, उसे आगे भी चालू रखेंगे। इस वैश्विक महामारी के नियंत्रण के लिए हम संकल्पित हैं और इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मोदी सरकार का पूरा फोकस बूस्टर डोज पर है, क्योंकि कोविड से निपटने का रक्षा कवच बूस्टर डोज है। खतरा बड़ा है क्योंकि सिर्फ 27% लोगों को बूस्टर डोज लगी है। चीन के अस्पतालों का हाल, चीन में मरीजों की चीख पुकार, चीन में लाशों का अंबार आप देख रहे हैं। अगर चीन वाले वायरस को रोकना है, चीन वाले वायरस को हराना है, तो उसके बीच में एक बड़ा रोड़ा बन सकते हैं 73 करोड़ की लिस्ट में शामिल लोग। दरअसल भारत में 95 करोड़ लोगों को डबल डोज लग चुकी है, लेकिन डबल डोज लगवाने वाले 95 करोड़ लोगों में से सिर्फ 22 करोड़ लोगों ने बूस्टर डोज लगवाई है, यानी कोविड से बचाने वाले टीका धारी हैं। आज भी 73 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बूस्टर डोज वाला टीका नहीं लगवा रखा है। सरल शब्दों में समझें तो बूस्टर डोज नहीं लेने वालों को कोरोना अपना नया शिकार बना सकता है, खासतौर पर जो बुजुर्ग हैं और बीमारियों से ग्रसित हैं।